श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह हो चुकी है, ये ब्लॉग हम मॉर्निंग से बना रहे हैं। और हमारा नहा धो चुके, पति देव जी भी नहा चुके, बच्चे भी नहा चुके हैं। और पति देव जी कर रहे हैं पूजा, और इधर आ गए हम किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते बनाने जा रहे हैं आज मैक्रोनी। तो गाइस क्योंकि मेरी बेटी को जाना है कोचिंग, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हमने पति देव जी से कहा कि आप पूजा कर लो, इधर हम नाश्ता बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ हमने रिफाइंड डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पति देव जी कर रहे हैं पूजा, ये देखिए गाइस। चलो गाइस, राधे राधे। मसाला हो चुका है, हम मैक्रोनी बना निकाल रहे हैं, मतलब तो गाइस हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है। फटाफट से अपनी बेटी को दे देते हैं क्योंकि उसको जाने का हो रहा है। तो गाइस ये देखिए, तो देखिए बंदी मकरोनी, और हमारी बेटी खा के जा रही है। देखिए बैग भी उसका रखा हुआ है, जल्दी जल्दी करके बना दी। फिर इसको 1.5-2 घंटे लग जाएंगे कोचिंग में, तो इसलिए हमने सोचा कुछ खा के चली जाए। बाय। हमारे पति देव की पूजा भी चल रही है, ये देखिए। और बेटी भी जा चुकी है कोचिंग, बेटा मेरा यहाँ पे सो रहा है। ये छुट्टियाँ चल रही है ना, इतनी देर तक सोते हैं। देव जी मंदिर होके आ गए हैं, और नाश्ता ये मेकिंग करके चली गई। नाश्ता ये देखिए गाइस, मैक्रोनी बनाई थी, अब लोग नाश्ता करने के लिए। और साथ में फैन है और रस है। तो भाई बताइए कौन कौन फैन और रस सुबह नाश्ते का खाता है? और ये चाय है, गरम गरम मैक्रोनी टेस्ट लीजिए और ताजे बताइए। आप भी खाइए। हाँ अपनी तो बनाई है, कब बनाने के कहेंगे कभी बनाओ। राइट, मिलते हैं आप लोगों को चाय के बाद नाश्ता करने के बाद। तो राइट, मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। हाँ अंदर गर्मी लग रही, बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है मौसम। चलो चलते हैं, आप लोगों को।
करो। A few moments later. तो गाइस देखिए, बेटी मेरी आ चुकी है कोचिंग से, और ये देखिए, और हाँ बस हम भी नाश्ता पानी करती हूँ, ये भी नाश्ता करके चली गई थी कोचिंग, अभी आई है और ये पढ़ रही देखिए। फिर से आके बैठ गया। और बस अब घर के काम करेंगे और क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। खाना वाना बनाएंगे, घर के काम करेंगे। गाइस बाल देखेंगे कुछ, गर्मी पड़ रही है, बस कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कर रहा बस ठंडा ठंडा पीते जाओ। यहाँ बना रहे हैं रसगुल्ला, चीनी को डाल, चीनी ऐसे मिक्स हो जाएगी, उसके बाद भी डालेंगे पूरा पैकेट। मैं खाने का मतलब मन नहीं करता, बस पीने का मन करता है, अंदर ठंडा पीते जाओ। इसमें आम चीनी मिक्स कर रहे हैं, यहाँ हमें रसना के पाउच आते हैं ना गाइस, वो हम मिला लें। बड़ा बड़ा पैकेट लेने का तो मिला नहीं, तो सास ले आई पाउच है ना। एक से कुछ नहीं होगा, मेरे में और डाल दो। तो गाइस यहाँ हमारी ड्रिंक तैयार है, फैल गई थोड़ी सी, देखो गाइस हमारी ड्रिंक तैयार है, मैं पी लिया था। देखो गाइस पूरा आनंद लेते हुए पानी के अंदर, ये देखिए। अच्छा जब भी हम पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम गाइस ये देखिए नहा के आ गया, ये देखिए कितने बज रहे 12 करें नहीं मिला हो ठंडा और आलू बर्फ, मैं मेरे को खिला दो बर्फ, ठीक है। ये क्या होता है एनएस का, तो उसको ब्राइट गाइस उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, ये लेट से नहाता है, देखिए गाइस। एक गैस रिलीज होती है जिससे कि अजीब सी स्मेल आती है। सो के उठेगा, 11 बजे नहाएगा, 12 बजे नाश्ता करेगा और फिर 2 बजे खाना खाऊंगा। वेरी वेरी ध्यान से देखिए, ये इतना अच्छा खाना बनाती है, ध्यान से देखिए। तो गाइस बस हमारा खाना पीना दोपहर में हो चुका था, हमने आराम किया थोड़ी देर, और बेटी गई थोड़ी देर पार्क घूमने, और ये देखो बेटा मेरा लेटा हुआ टीवी देख रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं थोड़ी देर, हम भी टीवी देख रहे हैं। अब आएगा पानी तो फिर पानी भरेंगे, आरती करेंगे, घर के थोड़े काम करेंगे। तो गाइस यहाँ हम गूंद रहे हैं आटा, देखिए मैं तो मम्मी गूंजी आटा बताओ क्या बनने जा रहा है मैम। आलू की कचौड़ी बनाई है क्या, ये तो कहाँ बैठी है, ये दिखा
मतलब अंदर भर गया का पानी। थोड़ी सी तैयारी करके रखना, जब हम भाग से आएंगे ठीक है। खाना खा के जाओ, फिर जल्दी करो, खा के जाओ ठीक है, खा के चली जाऊंगी। साढ़े नौ तक चले जाना, साढ़े दस खाएंगे, खाना भी नहीं खाना, क्यों लेट करें, हम लोग फ्री हो जाए आराम से। दो सीटें आ रही है इसमें, किसी का ऐसा चले चले दो सीटें आई तो कल नहीं तो गाइस मिलते हैं आपको आटा गूंदने के बाद। तो गाइस आटा गूंद के रखा है हम, और आलू थोड़ा सीटी लग जाए, आलू हो जाए तो फिर बस आलू को मैश करके बनाएंगे हम कचौड़ी। नहीं भर रही, कुछ गिरा, कुछ गिरा, कुछ को गिरा, कुछ मेरे किसी पर गिरा, कुछ नहीं गिरा, लेकिन बैठ डाल दूं ट्रे। फूलती नहीं है कचौड़ी कभी, फूलती है मतलब फूलती है तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। है तुम छोड़ दो, छोड़ दो गाइस, फूल चुकी है, फूल चुकी है गाइस, फूल गई प्लेट आई और एक गई, अरे भाई दूसरी सीखी हमें तो टैलेंट देखो गाइस आप, एक डाल के एक निकाली, एक निकाल के दो डाली, अचार आपको इससे अच्छी लगती है, आपको आपको इससे अच्छी लगती है अचार से, चटनी से बताओ ना, चटनी से मेरे को भी दोनों चीजें रख दो ना, चटनी भी रख लो और वो भी रख लो, जिससे खानी खा लो, पर हमको तो चटनी पसंद है ना, कोई बकवास नहीं है। अभी कहाँ मम्मी दीदी को डांट रही, या पूछ नहीं आता डांटो क्या, हाँ ओ भाई मम्मी ने मुझे डांटा। तो गाइस यहाँ हमारे चल रहा, तो गाइस यहाँ हमारे बच्चे खा रहे हैं कचौड़ी गरम गरम, गर्मा गर्म अचार है, चटनी है, और ये देखो दोनों बच्चे, और ये लोग खा के जाएंगे पार्क, है ना, कहाँ जाओगे, जा रहा है तो मुझे खाना खा के फिर जाओ पार्क। तो गाइस बच्चों के साथ साथ पति देव जी भी खाने लगे हैं खाना, ये देखिए इधर बच्चे खा रहे हैं, इधर पति देव जी भी खा रहे हैं खाना, हम लोग आप भी खा लीजिए गरम गरम, खा चुके बेटा। हमारा हो चुका है और बच्चे भी पार्क से लेके आ चुके हैं और बस अब जा रहे सोने की तैयारी कर रहे हैं, और भाई किचन के भी सारे काम हमने निपटा दिए थे, और जो बुना लंबा करते हो करते हैं इसे एंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।